और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों न नाजिल किए गए या हम आंख से अपने परवरदिगार को देख लें, ये अपने ख्याल में बड़ाई रखते हैं और इसी बिना पर बड़े सरकश हो रहे हैं। जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे उस दिन गुनाहगारों के लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी और कहेंगे कहीं कोई रुकावट खड़ी कर दी जाए। और जो इन्होंने अमल किए होंगे हम उनकी तरफ मुतवज्जे होंगे तो उनको बिखरा हुआ गुबार कर देंगे। उस दिन अहले जन्नत का ठिकाना भी बेहतर होगा और उनके आराम की जगह भी खूब होगी। और जिस दिन आसमान अब्र से फट जाएगा और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे उस दिन सच्ची बादशाही रहमान ही की होगी और वो दिन काफिरों पर सख्त मुश्किल होगा। और जिस दिन जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा और कहेगा कि ऐ काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता, हाय शामत काश मैंने फुला शख्स को दोस्त न बनाया होता, उसने मुझको किताब नसीहत के मेरे पास आने के बाद बहका दिया। और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। और पैगंबर कहेंगे कि ऐ परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था और इसी तरह हमने गुनाहगारों में से हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया और तुम्हारा परवरदिगार हिदायत देने और मदद करने को काफी है। और काफिर कहते हैं कि इस पर कुरान एक ही दफा क्यों नहीं उतारा गया, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसलिए उतारा गया कि इससे तुम्हारे दिल को मजबूत रखें और इसी वास्ते हम इसको ठहर ठहर कर पढ़ते रहे हैं। और ये लोग तुम्हारे पास जो एतराज की बात लाती हैं हम तुम्हारे पास उसका माकूल और खूब वाजे जवाब भेज देते हैं। जो लोग अपने चेहरों के बल दोजख की तरफ जमा किए जाएंगे उनका ठिकाना भी बुरा है और वो रस्ते से भी बहके हुए हैं। और हमने मूसा को किताब दी और उनके भाई हारून को मददगार के तौर पर उनके साथ कर दिया। फिर हमने कहा कि दोनों उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने हमारी आयतों की तकजीब की, आखिर हमने उनको पूरी तरह हलाक कर दिया। और नूह की कौम ने भी जब पैगंबरों को झुटलाया तो हमने उन्हें गर्क कर दिया और उनको लोगों के लिए निशानी बना दिया और जालिमों के लिए हमने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और आद और समूद और कुएं वालों और उनके दरमियान और बहुत सी जमातों को भी हलाक कर दिया और सबके समझाने के लिए हमने मिसालें बयान की और न मानने पर सबको तहस नहस कर दिया। और ये काफिर उस बस्ती पर भी गुजर चुके हैं जिस पर बुरी तरह का मेह बरसाया गया था, तो क्या ये उसको देखते न होंगे, बल्कि इनको तो मरने के बाद जी उठने की उम्मीद ही नहीं। और ये लोग जब तुमको देखते हैं तो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं कि क्या यही शख्स है जिसको अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है, अगर हम अपने माबूदों के बारे में साबित कदम न रहते तो ये जरूर हमको बहका देता और उनसे फेर देता। और ये अनकरीब मालूम कर लेंगे जब अजाब देखेंगे कि सीधे रास्ते से कौन भटका हुआ है। ऐ पैगंबर क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है, तो क्या तुम उसके जिम्मेदार हो सकते हो, या तुम ये ख्याल करते हो कि उनमें अक्सर सुनते या समझते हैं, नहीं ये तो चौपायों की तरह के हैं बल्कि उनसे भी गए गुजरे। भला तुमने अपने परवरदिगार की कुदरत को नहीं देखा कि वो साये को किस तरह दराज करके फैला देता है और अगर वो चाहता तो उसको बेहरकत ठहरा रखता। फिर हम सूरज को उसका रहनुमा बना देते हैं, फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ समेट लेते हैं। और वही तो है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा और नींद को आराम बनाया और दिन को उठ खड़े होने का वक्त ठहराया। और वही तो है जो अपनी रहमत यानी मेह के आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है और हम आसमान से पाक निथरा हुआ पानी बरसाते हैं ताकि उससे शहर मुर्दा यानी बंजर जमीन को जिंदा कर दें, और ताकि हम वो पानी बहुत से और आदमियों को जो हमने पैदा किए हैं पिलाएं। और हमने इस कुरान की आयतों को तरह तरह से लोगों में बयान किया ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर बहुत से लोगों ने इनकार के सिवा कबूल न किया। और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में डराने वाला भेज देते,
तो तुम काफिरों का कहा न मानो और उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े शद्दोमत से लड़ो। और वही तो है जिसने दो दरियाओं को मिलाकर चलाया, एक का पानी शीरी है प्यास बुझाने वाला और दूसरे का खारी कड़वा, और दोनों के दरमियान एक पर्दा और मजबूत ओट बना दी है। और वही तो है जिसने पानी से आदमी पैदा किया, फिर उसको ददियाल ननियाल और ससुराल वाला बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर तरह की कुदरत रखता है। और ये लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज की परस्तिश करते हैं कि जो न इनको फायदा पहुंचा सके और न नुकसान, और काफिर अपने परवरदिगार की तरफ से पीठ फेरने वाला है। और हमने ऐ नबी तुमको सिर्फ खुशी और अजाब की खबर सुनाने को भेजा है, कह दो कि मैं तुमसे इस काम की उजरत नहीं मांगता, हाँ जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले, और उस खुदाए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा, और उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो, और वो अपने बंदों के गुनाहों से खबर रखने को काफी है। वही जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ, वो जो रहमान यानी बड़ा मेहरबान है, तो उसका हाल किसी बाखबर से दरियाफ्त कर लो। और जब इन कुफार से कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो कहते हैं और रहमान क्या होता है, क्या जिसके लिए तुम हमसे कहते हो हम उसके आगे सजदा करें, और वो इस बात से और बिदकते हैं। बड़ी बरकत वाला है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उनमें आफताब का निहायत रोशन चराग और चमकता हुआ चांद भी बनाया। और वही तो है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। ये बातें उस शख्स के लिए जो गौर करना चाहे या शुक्रगुजारी का इरादा करे, सोचने और समझने की हैं। और रहमान के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं तो सलाम कहते हैं, और वो जो अपने परवरदिगार के आगे सजदे करके और इज्जो अदब से खड़े रहकर रातें बसर करते हैं, और वो जो दुआ मांगते रहते हैं कि ऐ परवरदिगार दोजख के अजाब को हमसे दूर रखियो कि उसका अजाब चिमटने वाला है, बेशक दोजख ठहरने और रहने की बहुत बुरी जगह है। और वो के जब खर्च करते हैं तो न बेजा उड़ाते हैं और न तंगी को काम में लाते हैं, बल्कि एतदाल के साथ न जरूरत से ज्यादा न कम। और वो जो अल्लाह के साथ किसी और माबूद को नहीं पुकारते, और जिस शख्स को मार डालना अल्लाह ने हराम किया है उसको कत्ल नहीं करते मगर जायज तरीक यानी शरीयत के हुक्म से, और बदकारी नहीं करते, और जो ये काम करेगा सख्त गुनाह में मुब्तला होगा, कयामत के दिन उसको दूना अजाब होगा और वो जिल्लत खारी से हमेशा उसमें रहेगा। मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे काम किए, तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह तो बख्शने वाला है मेहरबान है। और जो तौबा करता और अमल नेक करता है तो बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और वो जो झूठी गवाही नहीं देते, और जब उनको बेहुदा चीजों के पास से गुजरने का इत्तेफाक हो तो शरीफाना अंदाज से गुजरते हैं, और वो कि जब उनको उनके परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते बल्कि गौर फिक्र से सुनते हैं। और वो जो दुआ मांगते हैं कि ऐ परवरदिगार हमको हमारी बीवियों की तरफ से और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना, इन सिफात के लोगों को उनके सब्र के बदले ऊंचे ऊंचे महल दिए जाएंगे और वहां फरिश्ते उनसे दुआ और सलाम के साथ मुलाकात करेंगे, उसमें वो हमेशा रहेंगे, और वो ठहरने और रहने की बहुत ही उम्दा जगह है। कह दो कि अगर तुम अल्लाह को नहीं पुकारते तो मेरा परवरदिगार भी तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करता, तुमने तकजीब की है सो अब मुठभेड़ होगी। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तौसीम मीम,
ये किताब रोशन की आयतें हैं, ए पैगंबर शायद तुम इस रंज से कि ये लोग ईमान नहीं लाते अपने आप को हलाकत में डाल दोगे। अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से कोई निशानी उतार दें, फिर इनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं, और इनके पास रहमान की तरफ से कोई नई नसीहत नहीं आती मगर ये उससे मुंह फेर लेते हैं। सो ये तो झुटला चुके, अब इनको उस चीज की हकीकत मालूम हो जाएगी जिसकी हंसी उड़ाते थे। क्या इन्होंने जमीन की तरफ नहीं देखा कि हमने उसमें हर किस्म की कितनी नफीस चीजें उगाई हैं? कुछ शक नहीं कि इसमें निशानी है, मगर ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार गालिब है, मेहरबान है। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा को पुकारा कि जालिम लोगों के पास जाओ यानी कौम फिरौन के पास, क्या वो डरते नहीं? उन्होंने कहा कि मेरे परवरदिगार, मैं डरता हूं कि वो मुझे झूठा समझें और मेरा दिल तंग होता है और मेरी जबान रुकती है, तो हारून को हुक्म भेज कि मेरे साथ चलें। और उन लोगों का मुझ पर एक गुनाह यानी फिरौनी के खून का दावा भी है, सो मुझे यह भी डर है कि मुझको मार ही डालें। फरमाया, हरगिज नहीं, बस तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। सो दोनों फिरौन के पास जाओ और कहो कि हम तमाम जहानों के मालिक के भेजे हुए हैं और इसलिए आए हैं कि आप बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दें। फिरौन ने मूसा से कहा, क्या हमने तुमको जबकि तुम बच्चे थे परवरिश नहीं किया था, और तुमने बरसों हमारे यहां उम्र बसर नहीं की, और तुमने एक और काम किया था जो किया तुम नाशुक्रे मालूम होते हो। मूसा ने कहा कि हां, वो हरकत मुझसे नागहां सरजद हुई थी और मैं खताकारों में था, फिर जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं तुम्हारे पास से फिरार हो गया, फिर मेरे रब ने मुझको नबूवत और इल्म बख्शा और मुझे पैगंबरों में से किया। और क्या यही एहसान है जो आप मुझ पर रखते हैं कि आपने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? फिरौन ने कहा, और रब्बुल आलमीन क्या होता है? फरमाया, आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबका मालिक, बशर्ते कि तुम लोगों को यकीन हो। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द के लोगों से कहा कि क्या तुम सुनते नहीं? मूसा ने कहा कि तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का भी मालिक। फिरौन ने कहा कि ये पैगंबर जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बावला है। मूसा ने कहा कि मशरिक और मगरिब और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है सबका मालिक, बशर्ते कि तुमको समझ हो। फिरौन ने कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। मूसा ने कहा, खा मैं आपके पास रोशन चीज लाऊं यानी मोजेजा? फिरौन ने कहा, अगर सच्चे हो तो उसे लाओ दिखाओ। बस उन्होंने अपनी लाठी डाल दी तो वो उसी वक्त साफ अजदहा बन गई, और अपना हाथ जो निकाला तो उसी दम देखने वालों के लिए सफेद बुराक नजर आने लगा। फिरौन ने अपने गिर्द के सरदारों से कहा कि ये तो एक माहिर जादूगर है, चाहता है कि तुमको अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा कि इसको और इसके भाई को कुछ मोहलत दीजिए और शहरों में नकीब भेज दीजिए कि सब माहिर जादूगरों को जमा करके आपके पास ले आए। आखिर जादूगर एक मुकर्ररा दिन की मियाद पर जमा हो गए और लोगों से कह दिया गया कि तुम सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए ताकि अगर जादूगर गालिब रहें तो हम उनके पैरों हो जाएं। फिर जब जादूगर आ गए तो फिरौन से कहने लगे कि अगर हम गालिब रहे तो हमें सिला भी अता होगा? फिरौन ने कहा, हां, और तब तुम मुकर्रबों में भी दाखिल कर लिए जाओगे। मूसा ने उनसे कहा कि जो चीज डालनी चाहते हो डालो, तो उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली और कहने लगे कि फिरौन के इकबाल की कसम, हम ही जरूर गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वो उन चीजों को जो जादूगरों ने बनाई थीं निगलने लगी। तब जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम तमाम जहानों के मालिक पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन ने कहा, क्या इससे पहले कि मैं तुमको इजाजत दूं तुम उस पर ईमान ले आए? बेशक ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया है, सो अनकरीब तुम इसका अंजाम मालूम कर लोगे कि मैं तुम्हारे हाथ
और मुखालिफ समत के पांव काट दूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि कुछ नुकसान की बात नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाने वाले हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमारे गुनाह बख्श देगा, इसलिए कि हम अव्वल ईमान लाने वालों में हो गए। और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात ले निकलो, अलबत्ता फिरौनियों की तरफ से तुम्हारा ताकुब किया जाएगा। तो फिरौन ने शहरों में नकीब रवाना किए और कहा कि ये थोड़े से लोगों की जमात है और ये हमसे गुस्सा खा रहे हैं और हम सब इनसे खतरा रखते हैं। आखिर हमने उनको बागों और चश्मों से निकाल दिया और खजानों और नफीस मकानात से उनके साथ हमने इसी तरह किया और इन चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। तो उन्होंने सूरज निकलते वक्त उनका ताकुब किया। फिर जब दोनों जमातें आमने सामने हुई तो मूसा के साथी कहने लगे कि हम तो पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता बताएगा। उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो, तो समंदर फट गया। सो हर एक टुकड़ा यूं हो गया कि गोया बड़ा पहाड़ है। और दूसरों यानी फिरौनियों को वहां हमने करीब कर दिया और मूसा और उनके साथ वालों को तो हमने बचा लिया, फिर दूसरों को हमने डुबो दिया। बेशक इस किस्से में निशानी है, लेकिन ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। और इनको इब्राहिम का हाल पढ़कर सुना दो, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम किस चीज को पूजते हो, वो कहने लगे कि हम बुतों को पूजते हैं और उनकी पूजा पर कायम हैं। इब्राहिम ने कहा कि जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी आवाज सुनते हैं, या तुम्हें कुछ फायदा दे सकते या नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते देखा है। इब्राहिम ने कहा, क्या तुमने देखा कि जिनको तुम पूजते रहे हो, तुम भी और तुम्हारे अगले बाप दादा भी, तो वो मेरे दुश्मन हैं, मगर रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है, जिसने मुझे पैदा किया है, सो वही मुझे रास्ता दिखाता है और वो जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूं तो मुझे शिफा बख्शता है, और वो जो मुझे मौत देगा और फिर जिंदा करेगा, और वो जिससे मैं उम्मीद रखता हूं कि कयामत के दिन मेरा कसूर बख्शेगा। ऐ परवरदिगार, मुझे इल्म दानिश अता फरमा और नेकूकारों में शामिल फरमा, और बाद वाले लोगों में मेरा जिक्र नेक बाकी रखियो, और मुझे नेमत की बहिश्त के वारिसों में शामिल कीजो, और मेरे बाप को बख्श दे कि वो गुमराहों में से है, और जिस दिन लोग उठा खड़े किए जाएंगे मुझे रुस्वा न कीजो। जिस दिन न माल ही कुछ फायदा दे सकेगा और न बेटे, हाँ जो शख्स अल्लाह के पास बेरोग दिल लेकर आया वो बच जाएगा, और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी और दोजख गुमराहों के सामने लाई जाएगी, और उनसे कहा जाएगा कि जिनको तुम पूजते थे वो कहाँ हैं, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजते थे, क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या खुद बदला ले सकते हैं? तो वो खुद और गुमराह यानी बुत और बुत परस्त औंधे मुंह दोजख में डाल दिए जाएंगे, और शैतान के लश्कर सब के सब दाखिल है जहन्नम होंगे। वहां वो आपस में झगड़ेंगे और कहेंगे कि अल्लाह की कसम, हम तो खुली गुमराही में थे जबकि हम तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर ठहराते थे, और हमको इन गुनाहगारों ही ने गुमराह किया था, तो आज न कोई हमारे लिए सिफारिश करने वाला है और न कोई गर्मजोश दोस्त, तो काश हमें दुनिया में दोबारा जाना हो तो हम मोमिनों में हो जाएं। बेशक इसमें निशानी है और इनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। कौम नूह ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई नूह ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इस काम का तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है, तो अल्लाह से डरो और मेरे कहने पर चलो। वो बोले कि क्या हम तुमको मान लें जबकि तुम्हारे पैरों तो रजील तरीन लोग हुए हैं। नूह ने कहा, मुझे क्या मालूम कि वो क्या करते हैं
उनका हिसाब आमाल मेरे परवरदिगार के जिम्मे है, काश तुम समझो। और मैं मोमिनों को निकाल देने वाला नहीं हूं, मैं तो फकत साफ साफ खबरदार करने वाला हूं। उन्होंने कहा कि नूह, अगर तुम बाज ना आओगे तो संसार कर दिए जाओगे। नूह ने कहा कि परवरदिगार, मेरी कौम ने तो मुझे झुठला दिया, सो तू मेरे और इनके दरमियान एक खुला फैसला कर दे और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं उनको बचा ले। बस हमने उनको और जो उनके साथ भरी हुई कश्ती में सवार थे उनको बचा लिया, फिर उसके बाद हमने बाकी लोगों को डुबो दिया। बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। कौम आद ने भी पैगंबरों को झुठलाया। जब उनसे उनके भाई हूद ने कहा, क्या तुम डरते नहीं, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इसका तुमसे कुछ बदला नहीं मांगता, मेरा बदला रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। भला तुम हर ऊंची जगह पर फजूल निशान तामीर करते हो और महल बनाते हो कि शायद तुम हमेशा रहोगे, और जब किसी को पकड़ते हो तो जाबिराना पकड़ते हो, तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और उससे डरो जिसने तुमको उन चीजों से मदद दी जिनको तुम जानते हो। उसने तुम्हें मवेशियों और बेटों से मदद दी और बागों और चश्मों से। मुझको तुम्हारे बारे में बड़े सख्त दिन के अजाब का खौफ है। वो कहने लगे कि तुम हमें खा नसीहत करो या ना करो, हमारे लिए यकसा है, ये तो अगलों ही की आदत है और हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। तो उन्होंने हूद को झुटलाया, सो हमने उनको हलाक कर डाला, बेशक इसमें निशानी है, और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। कौम समूद ने भी पैगंबरों को झुटलाया। जब उनसे उनके भाई साले ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इसका तुमसे बदला नहीं मांगता, मेरा बदला रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या जो चीजें तुम्हें यहां मुयस्सर हैं उनमें तुम यूं ही बेखौफ छोड़ दिए जाओगे, यानी बाग और चश्मे और खेतियां और खजूरें जिनके खोशे लतीफ और नाजुक होती हैं, और पहाड़ों में तराश तराश कर पुरतकल्लुफ घर बनाते हो, तो अल्लाह से डरो और मेरे कहे पर चलो, और हद से तजावुज करने वालों की बात न मानो जो मुल्क में फसाद करते हैं और इस्लाह नहीं करते। वो कहने लगे कि तुम तो जादू ज्यादा हो, तुम और कुछ नहीं, हमारी ही तरह के आदमी हो, अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। साले ने कहा, देखो ये ऊंटनी है, एक दिन पानी पीने की इसकी बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी, और इसको कोई तकलीफ न देना, नहीं तो तुमको एक बड़े सख्त दिन का अजाब आ पकड़ेगा। बिलाखिर उन्होंने उसको मार डाला, फिर नादिम हुए, सो उनको अजाब ने आ पकड़ा, बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुटलाया। जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता, मेरा बदला रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम दुनिया जहान में से लड़कों पर मायल होते हो, और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। वो कहने लगे कि ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आओगे तो शहर बद्र कर दिए जाओगे। लूत ने कहा, मैं तुम्हारे काम से सख्त बेजार हूं, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे घर वालों को इनके कामों के वबाल से नजात दे। सो हमने उनको और उनके घर वालों को सबको नजात दी, मगर एक बुढ़िया के पीछे रह जाने वालों में थी। फिर हमने औरों को हलाक कर दिया और उन पर मेह बरसाया, सो जो मेह उन लोगों पर जो खबरदार किए गए थे बरसा, वो बुरा था। बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। और बन के रहने वालों ने भी पैगंबरों को झुटलाया। जब उनसे शुएब ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो
और मेरा कहा मानो, और मैं इस काम का तुमसे कुछ बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। देखो पैमाना पूरा भरा करो और नुकसान न किया करो, और तराजू सीधी रखकर तोला करो, और लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो, और मुल्क में फसाद न करते फिरो, और उससे डरो जिसने तुमको और पहली खलकत को पैदा किया। वो कहने लगे कि तुम तो जादू जदा हो और तुम और कुछ नहीं हम ही जैसे आदमी हो, और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो, सो अगर सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ। शुएब ने कहा कि जो काम तुम करते हो मेरा परवरदिगार उससे खूब वाकिफ है। तो उन लोगों ने उनको झुटलाया, पस साइबान वाले दिन के अजाब ने उनको आ पकड़ा, बेशक वो बड़े सख्त दिन का अजाब था, इसमें यकीनन निशानी है, और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है, और ये कुरान रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है, इसको अमानतदार फरिश्ता लेकर उतरा है, यानी उसने तुम्हारे दिल पर इसका इल्का किया है ताकि तुम लोगों को खबरदार करते रहो, और इल्का भी फसीह बलीग अरबी जबान में किया है, और इसकी खबर पहले पैगंबरों की किताबों में लिखी हुई है। और क्या उनके लिए यह सनद नहीं है कि उलमाए बनी इसराइल इस बात को जानते हैं? और अगर हम इसको किसी अजमी पर उतारते और वो इसे उन लोगों को पढ़कर सुनाता तो ये इसे कभी न मानते। इसी तरह हमने इनकार को गुनाहगारों के दिलों में दाखिल कर दिया, वो जब तक दर्द देने वाला अजाब न देख लें इसको नहीं मानेंगे। वो अजाब इन पर नागहां आ वाके होगा और इन्हें खबर बिना होगी। उस वक्त कहेंगे क्या हमें मोहलत मिलेगी, तो क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? भला देखो तो अगर हम इनको बरसों फायदे देते रहें फिर इन पर वो अजाब आ वाके हो जिसका इनसे वादा किया जाता है, तो जो फायदे ये उठाते रहे इनके किस काम आएंगे? और हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर उसके लिए खबरदार करने वाले पहले भेज देते थे ताकि याद दिला दें, और हम जालिम नहीं हैं, और इस कुरान को शैतान लेकर नाजिल नहीं हुए। ये काम न तो उनके लायक है और न वो इसकी ताकत रखती हैं, वो तो आसमानी बातों के सुनने के मकामात से अलग कर दिए गए हैं। तो अल्लाह के सिवा किसी और माबूद को मत पुकारना वरना तुमको अजाब दिया जाएगा, और अपने करीब के रिश्तेदारों को डर सुना दो, और जो मोमिन तुम्हारे पैरव हो गए हैं उनसे तवाजो से पेश आओ। फिर अगर लोग तुम्हारी नाफरमानी करें तो कह दो कि मैं तुम्हारे आमाल से बेताल्लुक हूं, और उस गालिब व मेहरबान पर भरोसा रखो जो तुमको जब तुम तहज्जुद के वक्त उठते हो देखता है, और नमाजियों के साथ तुम्हारे रुकू और सुजूद को भी देखता है, बेशक वो सुनने वाला है जानने वाला है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान यानी जिन्नात किस पर उतरते हैं? वो हर झूठे गुनहगार पर उतरते हैं। जिन्नात सुनी हुई बात उसके कान में ला डालते हैं और वो अक्सर झूठे हैं, और शायरों की पैरवी गुमराह लोग किया करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वो हर वादी में सर मारते फिरते हैं और कहते वो हैं जो करते नहीं, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और अल्लाह को बहुत याद करते रहे और उन्होंने अपने ऊपर जुल्म होने के बाद इंतकाम भी लिया, और जालिम अनकरीब जान लेंगे कि कौन सी जगह लौट कर जाती हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तौसीन, ये कुरान यानी किताब रोशन की आयतें हैं, मोमिनों के लिए हिदायत और बिशारत है वो जो नमाज पढ़ते और जकात देती हैं और वो आखिरत का भी यकीन रखते हैं। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हमने उनके आमाल उनके लिए आरास्ता कर दिए हैं तो वो भटकते फिर रहे हैं, यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और वो आखिरत में भी बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। और तुमको ये कुरान उस हकीम अलीम की तरफ से अता किया जाता है। जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहां से रस्ते का पता लाता हूं या कोई शोला यानी एक अंगारा तुम्हारे पास लाता हूं ताकि तुम आग तापो, जब मूसा उसके पास आए
तो निदा आई कि वो जो आग में तजल्ली दिखाता है बाबरकत है और वो जो आग के इर्द गिर्द है और अल्लाह जो तमाम आलम का परवरदिगार है पाक है। ए मूसा, मैं अल्लाह हूं इज्जत वाला हिकमत वाला, और अपनी लाठी डाल दो। सो जब उसे देखा तो इस तरह हरकत कर रही थी गोया सांप है, तो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर न देखा। फरमाया, ए मूसा डरो मत, मेरे पास पैगंबर डरा नहीं करते। हां, जिसने जुल्म किया फिर बुराई के बाद उसे नेकी से बदल दिया तो मैं बख्शने वाला मेहरबान हूं। और अपना हाथ अपने गरीबान में डालो, बेऐब सफेद रोशन निकलेगा। इन दो मोजिजों के साथ जो नौ मोजिजों में दाखिल हैं, फिरौन और उसकी कौम के पास जाओ कि वो बदकिरदार लोग हैं। फिर जब उनके पास हमारी रोशन निशानियां पहुंची तो कहने लगे, ये खुला जादू है, और बेइंसाफी और गुरूर से उनको मानने से इनकार किया, जबकि उनके दिल उनको मान चुके थे। सो देख लो कि फसाद करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म बख्शा और उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी। और सुलेमान दाऊद के कायम मकाम हुए और कहने लगे कि लोगों, हमें अल्लाह की तरफ से परिंदों की बोली सिखाई गई है और हर चीज इनायत फरमाई गई है, बेशक ये उसका खास फजल है। और सुलेमान के लिए जिन्नों और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए और फिर उनकी जमातें बनाई गईं। यहां तक कि जब चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा कि चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुमको कुचल डालें और उनको खबर भी ना हो। तो वो उसकी बात से हंस पड़े और कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे तौफीक इनायत कर कि जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। और जब उन्होंने परिंदों का जायजा लिया तो कहने लगे, क्या सबब है मुझे हुदूद नजर नहीं आता, क्या कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या जबा कर डालूंगा या मेरे सामने अपनी बेकसूरी की वाजे दलील पेश करे। अभी थोड़ी देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास मुल्क सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूं। मैंने एक औरत देखी कि उन लोगों पर हुकूमत करती है और हर चीज उसे मुयस्सर है और उसका एक शानदार तख्त है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर आफताब को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके आमाल उन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको रस्ते से रोक रखा है, बस वो रस्ते पर नहीं आते और नहीं समझते हैं कि अल्लाह को जो आसमानों और जमीन में छुपी चीजों को जाहिर कर देता और तुम्हारे पोशीदा और जाहिर आमाल को जानता है, क्यों सजदा न करें? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अच्छा हम देखेंगे तूने सच कहा है या तू झूठा है। ये मेरा खत ले जा और इसे उनकी तरफ डाल दे, फिर उनके पास से हट जाना और देखना कि वो क्या जवाब देती हैं। मलिका ने कहा कि दरबार वालों, मुझ तक एक नामा गरामी पहुंचाया गया है, वो सुलेमान की तरफ से है और मजमून ये है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, बाद इसके ये कि मुझसे सरकशी न करो और मुतियो फरमाबरदार होकर मेरे पास चले आओ। खत सुनाकर कहने लगी कि ऐ अहले दरबार, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, जब तक कि तुम हाजिर न हो और सलाह न दो मैं किसी काम का फैसला नहीं किया करती। वो बोले कि हम बड़े जोरावर और सख्त जंगजू हैं और हुक्म आपके इख्तियार में है, तो जो हुक्म दीजिएगा उसके अंजाम पर नजर कर लीजिएगा। उसने कहा कि बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसको तबाह कर देते हैं और वहां के इज्जत वालों को जलील कर दिया करते हैं, और इसी तरह ये भी करेंगे। और मैं इनकी तरफ कुछ तोहफा भेजती हूं और देखती हूं कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। बस जब कासिद सुलेमान के पास पहुंचा तो सुलेमान ने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो?
सो जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया है। हकीकत ये है कि अपने तोहफे से तुम ही खुश होते होगे। उनके पास वापस जाओ, अब हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर हमला करेंगे जिनके मुकाबले की उनमें ताकत न होगी, और उनको वहां से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो जलील होंगे। सुलेमान ने कहा कि ऐ दरबार वालों, कोई तुम में ऐसा है कि कबल इसके कि वो लोग फरमाबरदार होकर हमारे पास आए, मलिका का तख्त मेरे पास ले आए? जिन्नात में से एक कवि हैकल जिन ने कहा कि कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें, मैं उसको आपके पास ला हाजिर करता हूं और मुझे इस पर कुदरत भी हासिल है और अमानतदार भी हूं। एक शख्स जिसको किताब इलाही का इल्म था कहने लगा कि मैं आपकी आंख के झपकने से पहले पहले उसे आपके पास हाजिर किए देता हूं। जब सुलेमान ने तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा कि यह मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या कुफरान नेमत करता हूं, और जो शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है और जो नाशुक्री करता है तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है, करम करने वाला है। सुलेमान ने कहा कि मलेका के इम्तिहान अकल के लिए उसके तख्त की सूरत बदल दो, देखें कि वो सूझ रखती है या उन लोगों में से है जो सूझ नहीं रखते। फिर जब वो आ पहुंची तो पूछा गया कि क्या आपका तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा कि ये तो गोया हूबहू वही है, और हमको इससे पहले ही सुलेमान की अजमत और शान का इल्म हो गया था और हम फरमाबरदार हैं। और वो जो अल्लाह के सिवा दूसरों की परस्तिश करती थी, सुलेमान ने उसको उससे मना किया कि वो काफिरों में से थी। उसके बाद उससे कहा गया कि महल में चलिए। जब उसने उसके फर्श को देखा तो उसे पानी का हौज समझा और कपड़ा उठाकर अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, ये ऐसा महल है जिसके नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। वो बोल उठी कि परवरदिगार, मैं अपने आप पर जुल्म करती रही थी और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूं, और हमने समूद की तरफ उनके भाई सवाले को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, तो वो दो फरीक होकर आपस में झगड़ने लगे। सवाले ने कहा कि ऐ कौम, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी करते हो और अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए? वो कहने लगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए बुरा शगुन है। सवाले ने कहा कि तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के पास है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जिनकी आजमाइश की जाती है। और शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद किया करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। कहने लगे कि अल्लाह की कसम खाओ कि हम रात को इस पर और इसके घर वालों पर शबखून मारेंगे, फिर इसके वारिसों से कह देंगे कि हम तो इसके घर वालों के मौके हलाकत पर थे ही नहीं और हम सच कहती हैं। और वो एक चाल चले और हमने भी एक तदबीर की और उनको कुछ खबर न हुई, तो देख लो कि उनकी चाल का अंजाम कैसा हुआ। हमने उनको और उनकी कौम सबको हलाक कर डाला। अब उनके ये घर उनके जुल्म के सबब तलपट पड़े हैं। जो लोग इल्म रखते हैं उनके लिए इसमें निशानी है, और जो लोग ईमान लाए और डरते थे उनको हमने नजात दी। और लूत को याद करो, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो जबकि तुम देखते हो, क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ मायल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। तो उनकी कौम के लोग बोले तो ये बोले, और इसके सिवा उनका कुछ जवाब न था कि लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को नजात दी, मगर उनकी बीवी के उसकी निस्बत हमने मुकर्रर कर रखा था कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और हमने उन पर मेह बरसाया, सो जो मेह उन लोगों पर बरसा जिनको मुतनब्बे कर दिया गया था बुरा था। कह दो कि सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है और उसके उन बंदों पर सलाम है जिसको उसने मुंतखब फरमाया, भला अल्लाह बेहतर है या वो जिनको ये उसका शरीक बनाते हैं?